वेलकम बैक टू माय चैनल डे टू द ब्यूटी। आई एम आकांक्षा। फ्रेंड, टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर माय होम रेमेडी विथ यू बिकॉज आई हैव रियली समथिंग स्पेशल फॉर यू ऑल। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग विच वी यूज ऑन आर रेगुलर बेसिस, वो गर्ल हो या बॉय हो, वो रोज ही, दोनों ही टाइम, मतलब इनफैक्ट कोई कुछ लोग दो टाइम इस चीज को यूज करते हैं, कुछ लोग एक बार ही। मैं फेस वॉश के बारे में बात कर रही हूँ। फेस क्लिंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन आर रेगुलर बेसिस, बट क्या ये फेयर है कि हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट रोज अपने स्किन पर रेगुलर बेसिस पे यूज करें? इट्स नॉट फेयर गाइज। तो इसलिए मेरे पास आज एक ऑल्टरनेट है इस चीज का। ये आप रेगुलर बेसिस पे इसको यूज कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बजट फ्रेंडली है और इसको बनाना भी बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट फेस वॉश ये है कि फ्रेंड देखिए आपको क्या करना है। आपको ये चाहिए है, इट्स अ मसूर की दाल। मसूर की दाल का पाउडर है ये। आपको बस ग्राइंड कर लेना है मसूर की दाल और बस उसको आपको ऐसे बना के पाउडर फॉर्म में रख लेना है। अब आपको इसमें मिलाना क्या है, देखिए मेरे पास एक और चीज है, ये भी बहुत सिंपल है, ये घर में सबके घर मिलता है, इसको बेसन बोलते हैं। बस आपको ये 2 टेबल स्पून मसूर की दाल का पाउडर लेना है एंड 1 टेबल स्पून लेना है आपको बेसन, और आपको इन दोनों को बस मिला देना है पानी में, और आप इसको मिला दीजिए और फिर इसमें पानी डालिए और उसको एक पेस्ट बनाइए और बस इससे आप फेस वॉश कर लीजिए। इट्स दैट सिंपल इज दिस। और सबसे पहले फ्रेंड एक और बात, आपको जब भी आप ये फेस वॉश लगाने वाले हैं तो सबसे पहले अपना फेस वॉश कर लीजिए पानी से ही। एक्चुअली उससे क्या होगा, हमारी स्किन एक्टिवेट हो जाएगी, हमारे पोर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये जो भी हम रेमेडी यूज करेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा और इनफेक्ट अच्छे से ही हमारी स्किन क्लीन हो जाएगी। तो आपने देखा ये दो चीजें ये बस दो चीजें ही मिलानी है। अब मैं सेकंड फेस वॉश के लिए आती हूँ, तो इसमें भी आपको एक बेसिक यही चाहिए है, मसूर दाल। इसमें आपको मिलाना है, देखिए फ्रेंड ये है चावल, ये चावल का आटा है। आपको चावल को ग्राइंड कर लेना है, पाउडर फॉर्म बना लेना है और बस वही 2:1 के रेशियो में आपको 2 टेबल स्पून मसूर की दाल लेनी है एंड 1 टेबल स्पून चावल का आटा लेना है। बस आप इसको भी दोनों को मिक्स कर दीजिए और पानी डाल दीजिए इसमें और पेस्ट बना लीजिए। आप पानी की जगह आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं, ये तो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा अगर हम रोज वाटर यूज करेंगे, बट रेगुलर बेसिस पे रोज वाटर यूज करना आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया, तो आप पानी ही यूज करिए। तो बस आप इनको दोनों को मिला लीजिए। और एक और है, अगर ये चीज आपके पास हो तो इज वेल एंड गुड। ये देखिए मेरे पास है एक्चुअली, इसको ऑरेंज पील कहते हैं, संतरे का छिलका। संतरे के छिलके को आप धूप में रख दीजिए, जब वो बहुत सूख जाए एक्चुअली और थोड़े कड़क हो जाए, मतलब सूख जाए, फिर आप उसको ग्राइंड कर लीजिए, तो ये एक ऐसा पाउडर फॉर्म बन जाता है। अब आपको इसमें यही, इसको आपको 1 टेबल स्पून लेना है और मसूर की दाल को 2 टेबल स्पून लेना है। आप इन दोनों को मिला दीजिए और फिर उससे फेस वॉश कर लीजिए। बस ये इतना ही सिंपल है और कुछ नहीं करना। और अगर आपको इसको एनहेंस करना है, मतलब फेस वॉश के लिए, तो आप रोज किसी भी, जो मैंने आपको तीनों रेमेडी बताई है, आप तीनों में पिंच ऑफ टर्मरिक, मतलब हल्दी, थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। तो ये देखा आपने कितना सिंपल है, और ये सब चीजों से आपको ब्राइटनिंग तो मिलेगी ही, ग्लोई होगी हमारी स्किन, डीप क्लिंजिंग होगी, हमारे स्कार्स, डार्क स्पॉट्स सब कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इजी है। और मैं भी आपको एक चीज और बोलना चाहती हूँ फ्रेंड, कि ये चीजें यू रेगुलर बेसिस पे यूज करने से हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, इनफैक्ट हमारी स्किन को ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा ही होने वाला है। हमारे ये हमारे नेचुरल, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट है, ये हमें बहुत टाइम से सब लोग यूज करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी होम रेमेडीज अच्छी लगी हो। सो इट्स टाइम टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फ्रेंड प्लीज डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी जो भी वीडियोज आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड लाइक माई चैनल ऑल्सो एंड इफ पॉसिबल शेयर इट ऑल्सो। दैट्स इट। ओके फ्रेंड्स, बाय।